शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। परिवार में जब अपने ही धोखा देने लगे, हम कैसे यहाँ रह सकते हैं? वरुण जी इस घर के बड़े बेटे, फिर भी अभय अपने आप को ऐसा जिम्मेदार दिखाता है जैसे वो इनसे भी बड़ा हो। और दीदू, दीदू तो हमें हमेशा से छोटा ही समझती है, पर इसी का फायदा चाची जी आप पे निकालती है। कब तक सहते रहेंगे ये बेइज्जती? इससे तो अच्छा है कि सुकून से हम लोग अलग हो जाए, इसी में सबकी भलाई है। भलाई इसी में है कि हम पूरे परिवार के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहें। अलग होने का कोई सवाल ही नहीं होता। कीर्ति को मैं ये कभी नहीं करने दूंगी। ताऊ जी ने भले ही यह जायदाद हमारे नाम की है, पर इस पे सबसे पहला हक उन्हीं का रहेगा। और फिलहाल हमें इस घर को टूटने से बचाना है अभय। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। माता रानी की कृपा से आपका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अब आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आइए। आराम से थोड़ा, दादी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है। बेटा आज दादी को दर्द रहेगा, एक दिन दादी को आराम करने दो। ये आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मी है जो आपको इतने अच्छे बेटे और बहू मिले, और तुम दोनों भाभी के हाथ के दर्द से हमेशा के लिए उन्हें छुटकारा दिलवा दिया। चलो चलो अब फैमिली फोटो खींचेंगे। मामा आओ ना। चलो बस बेटा अब दादी को आराम करने दो। श्रद्धा बेटा जरा यहाँ आके बैठो ना, हमें तुमसे बात करनी है। सिया इसे ठीक से टेबल पे रख देना। श्रद्धा बेटा हमें ऋतु ने बताया कि कैसे तुमने अपने जायदाद का हिस्सा वरुण और कीर्ति को देने से मना कर दिया। चलो देर ही सही तुमने हमारी बात मानी और सही समय पे सही फैसला लिया। देखो बेटा हम नैना भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद दिलीप भाई साहब भी समझते थे कि उनके बेटे और बहू के सामने उनका मुंह खुलने से रहा। वरुण और कीर्ति के हाथ से पैसे निकलते रहेंगे, खर्चे होते रहेंगे, और नैना भाभी का अपने घर पे नियंत्रण चला जाएगा। नैना भाभी आप यहाँ? हमें लगा श्रद्धा ने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया है तो आप तो हमारे शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी। तनुजा हमारे लिए परिवार हमेशा पैसों से ऊपर रहा है, और आप हमारा परिवार थी और हमेशा रहेंगी, फिर चाहे कितना भी मनमुटाव क्यों ना। नैना भाभी घर की सबसे बड़ी है, इन्होंने हमेशा हमारा सुख दुख में साथ दिया। श्रद्धा बेटा अब तनुजा को अंदर ले जाइए, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी चलिए। समय हाँ।
भाई चाचू वो बैंक वालों ने पापा का डेथ सर्टिफिकेट मांगा है। मैं ले आऊंगा। मेरे भी सर से एक बाप का साया उठ गया। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही। समझ सकती हूं मैं। ताई जी को बहुत बुरा लगा होगा जो कुछ भी मैंने किया, पर मैं ये भी जानती हूं कि जब ताई जी को वजह पता चलेगी तब वो मुझसे नाराज नहीं होगी। आखिर हम दोनों एक ही बात तो चाहते हैं ना कि हमारा ये परिवार हमेशा एक साथ रहे। हेलो, मैंने बोला ना कि बार बार फोन मत करो। अभी आपका फोन उठाने के लिए मुझे घर से बाहर आना पड़ा। ठीक है, आप ये सब छोड़िए, सबसे पहले आप पेपर्स तैयार करवाइए। हाँ, एक मिनट। जी भाभी, बहुत अच्छी लग रही हो। और मेरे बालों का क्लिप जो इतनी सफाई से तुमने अपने बालों में लगाया है ना, कहाँ से सीखा चोरी करना? भाभी, जो मैं क्यों चोरी करूंगी? भाभी कैसी बात कर रहे हो? भाभी ये क्लिप तो मेरी है, समझ में आया? और जो चोरी करके अपने बालों में लगाया है ना, तुम लोगों को आदत पड़ गई है क्या दूसरों की चीज हड़पने की? चलो दो हमारा क्लिप, दो हमारा क्लिप। ये क्या बदतमीजी है भाभी, हो क्या गया है आपको? अच्छा, हम अपनी चीज वापस ले रहे हैं तो हम बदतमीज हो गए हा? और तुम जो चोरी करो वो सही। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अंदर तक चिल्लाने की आवाज आ रही है तुम दोनों की। हमसे क्या पूछ रही है? अपनी प्यारी ननद से पूछिए, चोरी करना सीख गई है पता नहीं कहाँ से, हमारी क्लिप चोरी करके जा रही थी। तुम इस क्लिप की वजह से चिल्ला रही है इतनी छोटी सी बात पर? क्या हो गया है तुझे? जिस क्लिप को देख के आप मुंह बना रही है ना दीदू, बहुत प्यार से दी थी वरुण जी ने हमें, ये क्लिप हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ये चोरी कर रही थी। यहाँ पे सबको दूसरों की चीज हड़पने की आदत हो गई। अरे हमसे मांगती तो हम प्यार से दे देते ना। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सी भाषा में समझाऊं कि ये क्लिप मेरा है। भाभी, इतना शोर मचाने से पहले कम से कम आप एक बार कमरे में जाकर देख तो लेते, आपका क्लिप ना वहीं कहीं पड़ा होगा। आरती सही कह रही है, ये क्लिप उसने मेरे साथ ही जाकर खरीदी थी और बहुत ही आम सी क्लिप है ये। कम से कम 10 लोगों के पास होगी ऐसी क्लिप। दो के पास हो या हजार के पास हो, हमारी चीज है, हमारे लिए स्पेशल है, पर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप तो बहुत संस्कारी हैं, प्यार से दूसरों की चीज को अपना बना लेती हैं, है ना? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।